गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम आपकी 12th क्लास की फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर कौन सा है? वेरी गुड। विचार, विश्वास और ईमान। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अभी तक देखा भी है, जो आपके पहला चैप्टर आपकी हड़प्पा संस्कृति से आता है, दूसरा चैप्टर जो है वो आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की ही जो समय की स्थिति थी उससे डील करता है, तीसरा चैप्टर भी वही है। यानी दूसरा और तीसरा अध्याय जो है आपका वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में बताता है, उसका ताना बाना आपको दिखाता है। जो आपका ये चौथा वाला अध्याय है, विचार, विश्वास और ईमानदारी, ये अध्याय उसी काल के यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल के समय में विचार, जैसे कि महात्मा बुद्ध, बौद्ध आज भी याद करते हैं, जैन धर्म की स्थापना तो नहीं, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं महावीर, उन्होंने किस तरह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जैन धर्म के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। उसके अलावा जो स्मारक है, मूर्तियां हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच के काल में जो पहले से चले आ रहे रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं थी, उनके साथ इन नए उदय हुए धर्मों का किस तरह से संघर्ष हुआ, वाद विवाद हुए, उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, और स्लाइड्स पर अच्छे से ध्यान देना, जहां जरूरत पड़े, जहां समझ में ना आए, हाथ खड़ा करना, मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है बच्चों? Yes, तो चलिए आज हम विचारक, विश्वास और इमारतों की यात्रा पर चलते हैं। अब ये जो पूरा अध्याय है, क्योंकि आपको बोर्ड के हिसाब से भी तैयारी करनी है, मैंने आपके इस पूरे अध्याय को मुख्य रूप से 4 सब टॉपिक्स में बांटा है, जो आप यहाँ स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, चाहे तो आप लिख भी लीजिए पेन से। सबसे पहला जो सब टॉपिक लिया है वो है प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक, जिनमें खास कर हम सांची और अमरावती के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सब टॉपिक आपका बनता है वो है आपका उस समय में जो यज्ञ बहुत होते थे, बलि होती थी, तो उनके साथ जब ये नए धर्म उदित हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनका उनके संग किस तरह से संघर्ष, वाद विवाद हुआ और किस तरह से नए समन्वय से चीजें उभर करके आती हैं, नई परंपराएं उभर करके आती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा सब टॉपिक जो आपका बनता है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर, सीधे सीधे इस पर भी कई बार प्रश्न आता है। साथ ही साथ इन नए धार्मिक परंपराओं की, उनकी रीति रिवाजों को समझने में हमें जो मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, वो किस तरह से हमें मदद करते हैं, समझ में आया बच्चों? अब तो चलिए आज हम उठाते हैं प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती, ठीक है? हाँ, कुछ पूछना है तुमको? हाँ पूछो। हमें सांची और हमें सांची और अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ाया जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। कि कोई भी चीज यदि आपके अध्याय में दी गई है तो उसके देने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, क्यों आपको दिया गया है पढ़ाने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई हम सांची और अमरावती के बारे में ही क्यों पढ़े। क्योंकि जो भी स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये स्मारक इतिहास की कहानियां खुद में गा रहे हैं। अगर आप उनको ध्यान
से देखे पढ़े तो उसके अंदर जो चित्रकारी है, जो नक्काशी की गई है, जो कहानियां गढ़ी गई हैं दीवारों पर और द्वारों पर यानी दरवाजों पर, वो सभी हमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में हमें बताती है। इसीलिए ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है, जो उस समय के इतिहास की हमें जानकारी देता है। क्योंकि उस समय में आप और हम तो थे नहीं, तो कहां से हम उसके बारे में इकट्ठा करके उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का ताना बाना कैसे बुनेंगे। तो वो सब हमें पता लगता है स्मारकों से। और सांची और अमरावती ही क्यों? क्योंकि सांची जो है वो एक हमें सही स्थिति में मिला है स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के में जो भी आइडियाज या जो प्रैक्टिसेस होती थी, यानी जो रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं थी, उनके बारे में हमें बहुत ही गहराई से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं ये रहा सांची का स्तूप। इसी तरह से अगर आप चीजों पे ये जाएं तो ये सांची का स्तूप है और ये अमरावती का स्तूप है, जो एक तरह से उसका अब एक क्योंकि काफी टूटी फूटी स्थिति में ये मिला, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो इसका एक रेप्लिका तैयार किया गया है। तो ये ऊपर वाला सांची का स्तूप आपके पुस्तकों के अंदर भी इसका चित्र दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात का, तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें जवाब मिल गया है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? जहां समझ में ना आए वहां हमें मुझसे पूछ लेना। अब यही पर बात उठती है कि जब सांची के स्तूप की हम बात करते हैं या स्मारकों के महत्व की बात हुई, स्तूप है क्या? मंदिर हमें पता है, क्योंकि मंदिर हम जाते हैं या मस्जिद हम जाते हैं, गुरुद्वारे हम जाते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले स्तूप, जिसको पाली में बोला जाता है थूप, पहली बात उठती है कि ये जो स्तूप है क्या, फिर क्यों बनाए गए और उसके साथ साथ कैसे बनाए गए, यानी व्हाट, व्हाई एंड हाउ। स्तूप जो है, जैसे पाली में हम थूप कहते हैं, ये आप देखिए यहां पर, ये एक अर्ध गोलाकार स्थिति में, अर्ध गोलाकार स्थिति में बना हुआ है, अंड जिसे कहा जाता है। ये इसके नीचे, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर बुद्ध के जीवन काल में उनके द्वारा प्रयोग की गई जो भी चीजें थी उन्हें, या उनके अवशेषों को दफना करके उसके ऊपर जो अर्ध गोलाकार निर्माण किया गया है, उसको एक पवित्र स्थान माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, और पवित्र स्थान मान करके उसकी पूजा की जाती है। और अगर बौद्ध साहित्य के अंदर एक अशोक अवदान नाम से ही पता लगता है, और राजा अशोक मौर्य के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, और आप जानते हैं कि अशोक ने धम्म नीति दी थी। उसके साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक हुआ है। उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को, बहन को श्रीलंका तक और अन्य देशों में भी अपने मिशन भेजे थे उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो एक बौद्ध साहित्य अशोक अवदान है जो कि बताता है हमें कि किस तरह से अशोक मौर्य ने बुद्धा से संबंधित जितने भी अवशेष या जो सामान उन्होंने इस्तेमाल किया था, या उनसे संबंधित जो भी मुख्य वस्तुएं थी, अलग अलग शहरों में उसको बिखराया और उनके ऊपर उसने स्तूप का निर्माण करवाया। क्या होता है कि इससे जिस धर्म को वो मानता है उसका जो है प्रचार प्रसार आसानी से होता है जब भी स्तूप है। तो इस तरह से स्तूपों का निर्माण करके भी उसने बौद्ध धर्म के को बढ़ावा दिया और उसके प्रचार प्रसार भी योगदान दिया। अब आपके प्रश्न पत्र के अंदर मानचित्र वाला प्रश्न भी आता है ना, जिसमें या तो आपको लिखना होता है, अंकित करना होता है, या आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर आप इस बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी बात,
आज के मध्य प्रदेश के अंदर जो है सांची का आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्तूप है जिसके बारे में आप पढ़ भी रहे हैं। भोपाल के करीब है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब है सांची। फिर अमरावती स्तूप, भाई सांची बच गया लेकिन अमरावती नहीं बच पाया, तो अमरावती ये है, ये रही कृष्णा नदी जो ये जा रही है, ये रहा अमरावती आज के आंध्र प्रदेश के अंदर, ये स्तूप मिला। क्लियर है? उसी तरह से आप ये देखिए सारनाथ, सारनाथ में भी स्तूप है। ये वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको कहां पर, जिस जगह को आज हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं, यहां पर बौद्धि वृक्ष भी है। तो ये जो है मुख्य स्तूप यहां यहां हमें देखने को मिलते हैं। अब बात उठती है स्तूप जैसे कि कहा क्या है, क्या है, क्लियर है? अब क्यों बनाए गए, कोई मुझे बता सकता है कि तीन मुख्य बौद्ध जो साहित्य के अंदर नाम आता है त्रिपिटक, उनके नाम बताओगे? बताओ जरा जोर से बोलो पूरी क्लास के लिए। सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। वेरी गुड, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। अब महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि सुत्पिटक का भाग है, पिटक यानी टोकरी, उन दिनों आज की तरह प्रिंटेड किताबें नहीं होती थी, तो जो पत्थरों पर लिख करके टोकरियों में समेट करके रखा गया, इसीलिए उसको कहा गया त्रिपिटक, यानी तीन टोकरियों में रखा हुआ सुत्पिटक, जिसके अंदर बुद्ध के दिए हुए उपदेश है। विनय पिटक, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए, उनके जीवन से संबंधित अनुशासन में कैसे रहना है, उससे संबंधित सारा उसके अंदर लिखा गया है। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, यानी तीसरी टोकरी अभिधम्म पिटक, जिसके अंदर बुद्ध के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसकी फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक उसकी विवेचना की गई है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि स्तूप बनाए क्यों गए। तो सुत्पिटक के भाग परिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है, बताया गया है कि जब बुद्ध इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने वाले थे, यानी जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, इंग्लिश में उसके लिए टर्म यूज कर ग्रेट गोइंग फोर्थ, यानी अब जा रहे हैं, जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, यानी जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होने वाले थे, तो उस समय में उनके प्रिय शिष्य आनंद उपासक था। आनंद ने पूछा कि जब आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद जो आपके अवशेष हैं उनका हम क्या करें। एक बात यह ध्यान देने योग्य है, बुद्ध ने अपनी मूर्तियां बना करके उसकी पूजा करने से मना किया था। तो आनंद का प्रश्न यहां पर इस हिसाब से विभाजित था कि कैसे। तो तब बुद्ध ने कहा कि यहां पर देखिए आप ये चित्र देख सकते हैं, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का एक दृश्य चित्रित किया गया है एक इमेजिनेशन से। तो बुद्ध ने तब कहा कि मेरे जो भी अवशेष हैं उनको आप कहीं पर जमीन में गाड़ के उसके ऊपर स्तूप का यानी धूप का निर्माण करना, जिसमें चार तरफ से दरवाजे हों, और जो कोई भी वहां पर आएगा सिर झुकाएगा पूजा करेगा ध्यान करेगा तो उसको अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो है स्तूप का निर्माण शुरू हुआ। क्लियर? अब तीसरा प्रश्न आपको व्हाट का उत्तर दे दिया, क्यों, क्या क्या होते हैं, दूसरा कैसे और क्यों बनाए गए, व्हाई। अब तीसरा प्रश्न आता है हाउ, यानी बनाए कैसे गए, बनाने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए होता है ना। अगर आप मंदिरों में जाओ तो आपने कई बार देखा होगा ये फला पंखा जो है इस इसकी स्मृति में दान किया गया है।
कहीं दीवारों पे लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, उसी तरह से इन स्तूपों के निर्माण के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने समय समय पर अपने दान दिए। राजाओं ने दिए, सातवाहन शासकों का नाम आता है इसमें जिन्होंने इसके लिए दान दिया, व्यापारी संघों ने दान दिया, व्यापारियों ने अपने दान दिए, और कई बार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए हैं। हमें कैसे पता दान दिए? क्योंकि वहां की रेलिंग्स पर या जो है जो स्तंभ थे उन पर दानकर्ताओं का उल्लेख या उनसे संबंधित अभिलेख मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप मंदिरों वगैरह में देखें तो लोग जो है जिसकी भी स्मृति में दान करते हैं लिखते हैं ना, उसी तरह से वहां पर हमें जो दान करने वाले व्यक्ति थे, चाहे वो राजा थे, चाहे वो व्यापारी वर्ग था या व्यापारी श्रेणियां थी या बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी थे, उनसे संबंधित अभिलेख हमको वहां पर मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि इन स्तूपों की संरचना कैसी है, है क्या संरचना, थोड़ा सा टेक्निकल है और इससे संबंधित मैं आपसे मॉडल्स भी करवाऊंगी। ध्यान से देखिए या स्लाइड में आप देखिए, जो ये स्लाइड है ये अब आपको बताती है कि स्तूप की संरचना है पूरी। ये पूरा हिस्सा अर्धगोलाकार अंड अंड कहलाता है और इसके ऊपर जो है ये एक बालकनी जैसी बनी हुई है ना। इस बालकनी में ये देखो, ये जो बालकनी है ये कहलाती है हर्मिका, हर्मिका होगी ठीक है। हर्मिका के ऊपर से ये एक छोटा सा ये निकल रहा है, लंबा सा डंडा निकल रहा है ना, ये डंडा कहलाता है यष्टि। यष्टि, यष्टि के ऊपर ये जो है ये है छतरी। समझ में आया? पुस्तकों में भी, आपकी किताब में भी ये चित्र दिया गया है। उसी तरह से आप यहां देख सकते हो ये ना प्रदक्षिणा पथ, जिसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, सिर नवाते हैं, ये रहा प्रदक्षिणा पर इसके आसपास। ये रहा आपका तोरण द्वार, आपने सांची के स्तूप का तोरण द्वार भी देखा, यहां पर कई प्रकार के चित्रण जो है देखने को मिले हैं जो इतिहासकारों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और वहां उस समय के इतिहास को जानने के लिए बौद्ध साहित्य के संग उसका मिलान करके पता किया। ये जो हर्मिका है, ये हर्मिका को आप एबोड ऑफ गॉड्स भी कह सकते हैं, वही ये भी भगवान का स्थान। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब आप देखिए कि जो जो कोई भी यहां पूजा करने के लिए आता है, जिस तरह से सूर्य की परिक्रमा होती है, कहां से ईस्ट से उदय होकर के वो चलता है, उसी तरह से यहां पर ये ईस्टर्न यानी पूर्वी तोरण द्वार से अंदर आकर के जो भी व्यक्ति वहां शीश नवाने जाता है, उसी तरह से सूर्य की प्रक्रमा के पथ की तरह पूर्वी तोरण द्वार से अंदर आकर के उसके इर्द गिर्द पूरा चक्कर काटता है। क्लियर है यहां? यस सर। अब जो प्रश्न अक्सर आपके बोर्ड में आता है, सांची बच गया अमरावती नहीं, ये प्रश्न कई बार बोर्ड में आता है किसी भी तरह से घुमा फिरा करके। इसीलिए मैंने आपके पूरे अध्याय को कुछ सब टॉपिक्स में और उस सब टॉपिक्स को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा है ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सको, क्योंकि ये चैप्टर आपके थोड़ा सा उस समय की फिलोसफी से संबंधित है तो आप लोगों को थोड़ा सा वो टफ लगता है। तो इस तरह से जब आप उसको विषय में बांट लेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। क्लियर? अब क्या प्रश्न पर आप लोग बात करेंगे? सांची बच गया अमरावती नहीं बच पाया, अमरावती नहीं बच पाया। देखिए अमरावती की खोज कब हुई? अमरावती की खोज हुई है 1796 में। वहां का लोकल राजा था आंध्र प्रदेश के उसी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में और वो चाहता था मंदिर बनवाना। उसने यहाँ पर इसके अवशेष देखे, जब उसने ये अवशेष देखे तो उसने कहा अरे इतना बढ़िया पत्थर है, मैं इसका अपने मंदिर बनवाने में क्यों ना इस्तेमाल करूं।
उसके एरिया का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का अंग्रेज कमिश्नर था, वो था सर वॉल्टर इलियर। अब उसने जो है अमरावती को देखा, उसे तो बड़ा बढ़िया लगा भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो सारी। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे वहां पर जो स्थापत्य से संबंधित उसको चीजें मिली वो उठा करके मद्रास गया। और 1850 के आसपास क्या हुआ कि कई सारे जो अमरावती के टुकड़े थे, अवशेष थे, वो लोग उठा उठा करके अलग अलग जगहों पर ले जाने लगे। और खासकर अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, इन अपने गार्डन्स में ले जा करके सजाने लगे, भई हमारे गार्डन की शोभा बढ़ेगी। अब उससे क्या हुआ, एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत अमरावती आज एक छोटे से टीले के रूप में बंद हो गया। बस अमरावती बच नहीं पाया। जबकि सांची के केस में क्या हुआ, सांची भाग्यशाली रहा कि उसे भोपाल की बेगम ने मिली है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर सांची ये है, ये स्तूप का मैंने यहाँ पर एक पिक इसमें यहाँ पर इंसर्ट की है, या अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। इससे जो है आपको लोकेशन भी याद हो जाएगी मानचित्र पर, जिसे घर जाकर के आपको रिवाइज जरूर करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रही हूँ, क्लियर है आपको ये। अब सांची के केस में क्या हुआ कि एक तो अमरावती के बाद उसकी डिस्कवरी हुई, किस्मत थी 1818 में इसकी डिस्कवरी हुई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक कनक खेड़ा करके जगह है, वहां पर ये उसके पास में ही सांची का स्तूप हमें मिलता है। किस स्थिति में मिला, इसके जो है चार जो दरवाजे थे, चार डायरेक्शन थे तोरण द्वार, उन चार तोरण द्वारों में से तीन अभी भी खड़े हुए थे और एक जो है वो वहां पर गिरा हुआ, यानी कि एक अच्छी स्थिति में हमें जो है सांची का ये स्तूप मिलता है। उसके बाद एएसआई के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कनिंघम के बारे में, ठीक है ना। तो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि वो भारतीय इतिहास को जानने में रुचि रखते थे, चाहे उनकी रुचि विशेषकर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। उन्होंने यहाँ के अभिलेखों को भी पढ़ने की कोशिश की और 19वीं शताब्दी में कई सारे और यूरोपवासी जो है वो अमरावती की तरह ही अब इसके भी ले जाने के बचे हुए जो अवशेष थे अपने अपने पास ले जाना चाहते थे, लेकिन सांची फिर भी बच गया। क्यों? क्योंकि भोपाल की बेगमों का इसको बचाने में बहुत बड़ा है। भोपाल की बेग में थी शाहजहां बेगम और सुल्तान। अब कई बार ये जब भी प्रश्न आए कि अमरावती नहीं बच पाया और सांची बच गया, तो वहां भोपाल की बेगों का रोल अपने आप ही होता है। तो भोपाल की बेगों का क्या रोल रहा कि शाहजहां बेगम और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि सांची एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में बच गई। वो कौन से कदम थे जो उठाए? सबसे पहला, जब फ्रांसीसी लोग लेकर के जाना चाहते थे पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस, कि हम वहां अपने म्यूजियम में इसको सजाएंगे, या अंग्रेज चाहते थे कि हम ले जाएं, हम ब्रिटेन में जाकर के इसको सजाएंगे अपने म्यूजियम में, तो इसने बड़ी ही चतुराई के साथ क्या किया कि प्लास्टर और कास्ट की कॉपीज बनती है, जो बिल्कुल प्रतिकृति, जिसको आप इंग्लिश में कई बार सेम रेप्लिका या उसके जैसा ही एकदम डिट्टो उसके जैसा बना करके प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना करके उनको दे दी कि आप लोग ये ले जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल मॉन्यूमेंट को, ओरिजिनल अवशेष जो है वो वहीं पर रहे जहां पर वो है, बचा लिया। दूसरी चीज क्या थी कि किसी भी स्मारक के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उसके जो अवशेष हैं उनको
बचाने के लिए धन खर्च करना जरूरी होता है, धन खर्च करना जरूरी होता है। तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने पैसा खर्च किया कि इसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी पैसा लगेगा इसके संरक्षण के लिए हम खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे। तीसरी चीज क्या हुई कि इसके ऊपर काफी काम किया जॉन मार्शल ने, उसने पूरा इसका अध्ययन किया, उस पर किताबें लिखी, कई वॉल्यूम्स उसने लिखे, उसको किताब लिखने के लिए भी उन्होंने फंडिंग की, पैसा दिया, और साथ ही साथ ताकि जॉन मार्शल को कोई दिक्कत ना हो, वो वहां आराम से रह सके, उसके लिए वहां पर इन्होंने म्यूजियम के पास एक गेस्ट हाउस भी बनवाया जहां पर जॉन मार्शल रहा और उसने जो है पूरी ये किताब लिखी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाग्यशाली था साची कि उसके ऊपर रेलवे निर्माण करने वाले पटरी पर जो रेलवे पटरी बिछाते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स की निगाह नहीं पड़ी, नहीं तो सांची कभी वही हाल होता जो अमरावती। तो सांची बच गया और अमरावती नहीं बच पाया। क्या कोई इस विषय को दोबारा संक्षेप में बोल सकता है कोई बच्चा? हाथ खड़ा करो, जो कुछ भी मैंने बताया है क्या उसको आप अपने शब्दों में रिपीट कर सकते हो कि सांची बच गया अमरावती नहीं बचा? सांची बच गया अमरावती नहीं बचा, डरना नहीं, बोलो। हाँ बोलो, वेरी गुड। ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनके उस ज्ञान प्राप्त
भक्ति के पेड़ के रूप में दिखाया जाता है। तो उस पेड़ का सिंबल कैसे समझ में आएगा? जब तक बौद्ध साहित्य से उसका मिलान नहीं किया गया होगा। उसी तरह से जो एक रिक्त स्थान है, जैसा कि आप यहां पर ये देख सकते हो, ये रिक्त स्थान, ये आप ये देखो, ये रिक्त स्थान है, ये खाली खाली जगह, ये बुद्धा के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए का प्रतीक है। उसी तरह से जो ये स्तूप है, ये इंडिकेट करता है बुद्धा के महापरिनिर्वाण, यानी जन्म और मरण से मुक्ति के उसको घटना को। उसी तरह से ये जो चक्र है, ये चक्र बताता है बुद्धा के उस पहले उपदेश को जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ। उसी तरह से तब तक हमें इसका महत्व समझ में नहीं आएगा इस वृक्ष का, जब तक हमें ये ना पता हो कि इस वृक्ष का बुद्धा के जीवन में एक क्रांतिकारी योगदान रहा है, वो है बोधि वृक्ष, जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस तरह के प्रतीकों को समझने के लिए सहारा लिया जाता है आर्ट हिस्टोरियंस का। उसी तरह से वहां पर जो आपकी किताबों के अंदर भी एक स्त्री का चित्र है, जो पेड़ से झूकती हुई एक स्त्री है, ये लोक परंपराओं से लिया गया है और हेडिंग दी गई है लोक परंपराओं का समन्वय। समन्वय मतलब लोक परंपराओं के साथ बौद्ध परंपराओं का मिश्रण कैसे होना। ये डायरेक्टली बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विचारों से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जो लोग बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तित हुए आए, तो जिस परंपरा से वो आए, उस परंपरा को भी तो अपने संग लेकर के आए होंगे ना यहाँ पर। तो ये मानी जाती है बेहद सुंदर स्त्री की मूर्ति, जो कि उसके दरवाजे के पास, तोरण द्वार के पास एक पेड़ से लटकी हुई शाल भंजिका की मूर्ति है। और ये शाल भंजिका का संस्कृत साहित्य में इस स्त्री का नाम आता है, यानी भाग्य की देवी, जो जिस भी पेड़ को हाथ लगाती वो फल देने लगता, उसमें फूल आने लगते। अब इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है बौद्ध धर्म से, बुद्धा की ज्ञान प्राप्ति से या बुद्धा के संन्यास से, लेकिन जो लोग परिवर्तित होकर के आए, जिन परंपराओं को लेकर के आए थे, उन्होंने अपनी इन परंपराओं का मिश्रण यहाँ पर इसमें संग किया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये चैप्टर को देखते हुए करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जो है शाल भंजिका का जो है ये सिंबल इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये शुभ माना जाता था। तो शुभ का जो है प्रतीक जो है वो हम क्यों ना जिस धर्म के अंदर हम आए हैं उसके अंदर भी हम इसका उपयोग करें। उसी तरह से आपके एक और देखिए ये इमेज है, कई जगह हाथी है, सर्प है, घोड़े हैं, इनका इस्तेमाल किया गया है। ये हाथी, हाथी प्रतीक है शक्ति का और विवेक का, विवेक बुद्धि का। घोड़े का प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रतीक है एनर्जी का, कोशिशों का, एफर्ट्स का। तो कई बार जो जानवरों को, उन मनुष्य के जो विचार है, नैतिक मूल्य है ना, उनके साथ जोड़ करके इन जानवरों का इस्तेमाल किया गया है उन मूल्यों को दर्शाने के लिए। उसी तरह से जैसे मैंने कहा वेशांतर जातक, जातक कथाएं तो सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं उसमें है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा वेशांतर जातक की कहानी भी इसके अंदर चित्रित की गई है। फिर उसके अलावा आप यहां देख सकते हो ये एक स्त्री है, ये स्त्री है जिसके ऊपर दोनों तरफ से हाथी जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। और कमल के फूल के ऊपर स्त्री है यहाँ पर, मतलब घिरी हुई है कमल के फूलों से। और क्यों कमल का फूल?
मिलियन जन्मों का। तो कई बार इस सिंबल को बुद्ध की मां महामाया के संग भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि बुद्ध का जन्म एक बहुत बड़ी घटना मानी है। उसके लिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उनके जन्म से पहले सपना देखा था, उसकी मां ने सपना देखा था, उसमें एक सफेद हाथी उनके घर में प्रवेश करता है। तो जब राजा ने उसका अपने उन दिनों ज्योतिषी हुआ करते थे उनके दरबार में, उससे उसका करवाया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो उसने कहा या तो जो भी आपका पुत्र जन्म लेगा या तो बहुत बड़ा राजा होगा या वो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो बौद्ध धर्म के अंदर उनके इस जन्म की घटना को एक जो है एक बहुत बड़ी घटना के रूप में उसको चित्रित यहाँ पर चित्रण उसका किया गया है। उसका ही बात इसको जो है भाग्य की देवी गज लक्ष्मी के संग भी जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि लोक परंपराओं का समन्वय भी बौद्ध धर्म के अंदर हुआ है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से सांची के स्तंभों में एक सर्प, आप यहाँ देख सकते हो सर्प है, सर्प का भी चित्रण कई बार हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्प को प्रतीक माना गया है पुनर्जन्म से, मृत्यु से, या ये जीवन मतलब हमेशा चिरकालीन नहीं है, खत्म होने का। जेम्स फर्ग्यूसन जो कि अंग्रेज थे, आर्ट हिस्टोरियन थे यानी कला इतिहासकार थे, उन्होंने इन सब का अध्ययन तो किया लेकिन वो सांची को समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने सांची को कह दिया कि ये तो पेड़ों और सर्पों की पूजा का देश है। और उन्होंने यहां देख सकते हैं जेम्स फर्ग्यूसन क्यों उन्होंने इतनी जल्दी ये निष्कर्ष दे दिया, क्योंकि जेम्स फर्ग्यूसन को बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सांची को समझने के लिए हमें क्या जरूरत है? बौद्ध साहित्य के साथ उसका मिलान करना, उसके अंदर इस्तेमाल हुए प्रतीक चिन्हों को समझना, तभी हम सांची से जो है बौद्ध परंपराओं को, बौद्ध इतिहास को, बौद्ध रीति रिवाज को समझ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? तो बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो सांची स्तूप का महत्व मैं आपसे पूछूंगी। हाथ खड़ा करें। हाँ, सांची स्तूप का महत्व तुम बताओ। जोर से बोलो। सांची स्तूप का महत्व है कि ये स्तूप मूर्ति कला का एक अच्छा उदाहरण है। वेरी गुड, प्राचीन मूर्ति कला का एक अच्छा उदाहरण है। बैठो। yes. हाँ, तुम्हें कुछ कहना? मैम, सांची स्तूप बौद्ध धर्म और बौद्ध इतिहास को समझने में हमारी बहुत सहायता करता है। वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों कोई प्रश्न यहाँ तक? सबको क्लियर? यस मैम। अच्छे से समझ में आया? यस मैम। मैप पे लगा लोगे? यस मैम। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आज की इस क्लास के अंदर हमने किस किस के बारे में जाना और समझा? सबसे पहला बताओ कि स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? बैठो। और कौन बताएगा? कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करो। हाँ, अमरावती और सांची स्तूप के बारे में। वेरी गुड, यानी अमरावती नहीं बचा लेकिन सांची बच गया। और बोलो सांची स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का क्या रोल था? वेरी गुड। और हाँ बोलो, हमें ये भी जानकारी मिली कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं और उनके महत्व क्या होते हैं। ठीक है, वो तो बता दिया। उसके अलावा और कि उनका इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूप। अच्छा, यानी सांची स्तूप का महत्व। हाँ, और हाँ, अमरावती और सांची में से अमरावती क्यों नहीं बच पाया? ठीक है, और उसके अलावा मूर्तिकला से संबंधित कुछ कि सांची मूर्तिकला बौद्ध साहित्य हमें कैसे मदद करता है।
आगे नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे सब टॉपिक वो है कि सांची जो है, आपने अब तक ये जान लिया इसके बारे में, अब हम करेंगे अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, उनकी शिक्षाएं क्या थी और साथ ही साथ किस तरह से जो है उनका जीवन रहा, उनकी शिक्षाएं आज 21वीं सदी में भी किस तरह से रेलेवेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो जितना पढ़ा है उस पर आप अपनी तरफ से रिवाइज करके आएंगे, कुछ प्रश्न बना करके लाएंगे जो मैं क्लास के अंदर कल नहीं तो परसों, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, परसों छोटा छोटा प्रेजेंटेशन छोटे ग्रुप में बनवा के आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, प्रश्न बना करके आपको लाने होंगे और ग्रुप क्विज आपका। क्लियर बच्चों?